तो देश को क्या होना चाहिए, करंट अकाउंट डेफिसिट में कि करंट अकाउंट सरप्लस में? सरप्लस होना चाहिए। तो अमेरिका भी डरता है कि डॉलर का वैल्यू खत्म, लेकिन उसको पता है कितना फ्लेक्सिबिलिटी उसके हाथ में, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी अभी है। वर्ल्ड का सब बड़ी बड़ी कंपनियां जो कहां पे आई, अमेरिका में आई, ठीक है। तो एग्रीकल्चर से शिफ्ट किया किस पर, मैन्युफैक्चरिंग पे, फिर वो मैन्युफैक्चरिंग से शिफ्ट किया सर्विसेज पर, और अभी आईटी सर्विसेज पर, फिर आईटी सर्विसेज में आईटी प्रोडक्ट्स पर। अब आप जो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट, आप जो इंटेल का चिप लगाते हैं, जो भी तरह का सब जो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लेते हैं, वो सब कहाँ का है, यूएस का। पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा बॉन्ड मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट, वो कहाँ पर है, अमेरिका पर। और उसके थ्रू अमेरिका वर्ल्ड की इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। क्या ये चीज बाकी देशों को पसंद आएगी? ताइवान की भी बहुत सी कंपनियां हैं जो कि अमेरिका का सारा काम कर रही हैं, जो सेमीकंडक्टर पूरे वर्ल्ड में आज अमेरिकन कंपनियां बेच रही हैं, पूरा का पूरा बन रहा है वो ताइवान में। अभी चाइना में क्या सीन है, चाइना एक्सपोर्ट सरप्लस है, करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं है, करंट अकाउंट सरप्लस है, ठीक है। तो देश को क्या होना चाहिए, करंट अकाउंट डेफिसिट में कि करंट अकाउंट सरप्लस में? सरप्लस होना चाहिए। अमेरिका में क्या है, करंट अकाउंट सरप्लस है कि डेफिसिट है? नहीं, डेफिसिट है। अमेरिका बोलता है दुनिया का सामान भेजते जाओ, मेरा डॉलर लेते जाओ, क्या दिक्कत है, डॉलर तो देना है। तुम्हारा सामान आएगा, तुम्हारे इंजीनियर आएंगे, तुम्हारे लोग आएंगे, ठीक है ना, तुम्हारा जमीन से उपजा हुआ सामान आएगा, तुम्हारा मिनरल्स आएगा, तुम्हारा लोहा आएगा, सोना आएगा, मेरे को क्या देना है, डॉलर। बहुत टेंशन का विषय नहीं है, थोड़ा तो हर सरकार चाहती है कि डॉलर का वैल्यू, अमेरिका भी डरता है कि डॉलर का वैल्यू खत्म, लेकिन उसको पता है कितना फ्लेक्सिबिलिटी उसके हाथ में, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी अभी है, अभी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। और प्लस अमेरिका ने धीरे धीरे, जो अमेरिका एग्री बेस इकोनॉमी था, एग्री बेस से वो बना मैन्युफैक्चरिंग बेस, मैन्युफैक्चरिंग का हब बना अमेरिका, जनरल मोटर्स, जीई इलेक्ट्रॉनिक्स, वर्ल्ड का सब बड़ी बड़ी कंपनियां जो कहां पे आई, अमेरिका में आई, ठीक है। तो एग्रीकल्चर से शिफ्ट किया किस पर, मैन्युफैक्चरिंग पे, फिर वो मैन्युफैक्चरिंग से शिफ्ट किया सर्विसेज पर, और अभी आईटी सर्विसेज पर, फिर आईटी सर्विसेज में आईटी प्रोडक्ट्स पर। अब आप जो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट, आप जो इंटेल का चिप लगाते हैं, जो भी तरह का सब जो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लेते हैं, वो सब कहां का है, यूएस का। फिर जो उसका मैन्युफैक्चरिंग पोर्शन था उनकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों का, उन्होंने उसको कर दिया आउटसोर्स। अमेरिका अपना मैन्युफैक्चरिंग खुद से नहीं कर रहा है, वो सिर्फ क्या कर रहा है, जो उसका ब्रांड बिल्डिंग कर रहा है कि भाई मेरा जूता का ब्रांड है, ठीक है, नाइकी का ब्रांड है मेरा, और उसकी क्वालिटी है, उसका एक रिटेलिंग का एक पूरा फॉर्मेट है, और उस फॉर्मेट को हम बनवाएंगे कहीं पर, वियतनाम में बनवाएंगे हम उसको कंबोडिया में बनवाएंगे, हम उसको चाइना में बनवाएंगे, हो सकता है इंडिया में भी कुछ बना ले और पूरे दुनिया में बेचेंगे। फिर अमेरिका ने कहा कि हम सर्विसेज के भी फोकस नहीं बनेंगे, हम फोकस करेंगे फाइनेंशियल सर्विसेज पर, आईटी सर्विसेज एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट वही है, और इसके थ्रू पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी को वो कंट्रोल, क्योंकि उसके पास फाइनेंशियल पावर आ गई, ठीक है। पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा बॉन्ड मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट, वो कहाँ पर है, अमेरिका में। और उसके थ्रू अमेरिका वर्ल्ड की इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। क्या ये चीज बाकी देशों को पसंद आएगी? बहुत से देश जो है बोले पसंद आए चाहे नहीं आए, कर क्या लोगे, लेकिन चाइना, रशिया, वो बोले कुछ करना पड़ेगा भाई, अपन दोनों मिल जाते हैं, ठीक है, वैसे भी इतने पहले भी मिले हुए हैं, बदमाशी करने का मामला दोनों साथ में करते थे बदमाशी, तुम यूक्रेन पे हमला करो, हम ताइवान पे हमला करते हैं, ठीक है, अमेरिका को देख लिया जाएगा, अमेरिका यूक्रेन को बोलता कोई बात नहीं तुम लड़ो, हम तुम हथियार भेजते हैं, मेरा एक दुश्मन को तुम बुझाए रखो, ताइवान पर अगर चाइना हमला करेगा तो अमेरिका क्या करेगा, ताइवान को मदद करना चाहिए ना, आइडियल, ताइवान तो बेचारा अमेरिका की मदद के ऊपर डिपेंड कर रहा है, अगर नहीं मदद किया तो दिक्कत हो जाएगा। एनीवेज बहुत कॉम्प्लेक्स है सारी बातें, मैं यहाँ कह नहीं पा रहा हूँ। ताइवान की भी बहुत सी कंपनियां हैं जो कि अमेरिका का सारा काम कर रही हैं, जो सेमीकंडक्टर पूरे वर्ल्ड में आज अमेरिकन कंपनियां बेच रही हैं, पूरा का पूरा बन रहा है वो ताइवान में, ताइवान सेमीकंडक्टर, बहुत सारी कंपनियां हैं। तो ताइवान इज अ स्ट्रांग कंट्री इन दैट टर्म्स, और अमेरिका के लिए ताइवान क्रूशियल भी है, अगर ताइवान का सेमीकंडक्टर आना बंद हो जाएगा तो अमेरिका की सारी कंपनियों का कारोबार जो है वो गड़बड़ा जाएगा। पीछे कोविड के समय में सेमीकंडक्टर की क्राइसिस हो गई थी और तुरंत से सेमीकंडक्टर को लाना पॉसिबल नहीं था, तो गाड़ियों की बुकिंग बढ़ गई, गाड़ियों का वेटिंग बढ़ गया,
कई सारे सामान, पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, लैपटॉप, सब जगह दिक्कत आ गई, मोबाइल सब में दिक्कत आ गई थी, क्योंकि सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो गड़बड़ा गई थी, सप्लाई बंद हो गया था।